News 18, India. और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, मौलाना तौकीर रजा ने एक और भड़काऊ बयान दे दिया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि वो जुम्मे के दिन गिरफ्तारी देंगे और पूरे मुल्क में गिरफ्तारियां दी जाएंगी। मौलाना तौकीर रजा ने पूरे देश के मुसलमानों से अपील की है कि मुसलमान देश भर में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करें। तौकीर रजा का कहना है कि मुसलमान ज्ञान बापी की मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे, ये कहना है, ये एक भड़काऊ बयान है। सारे सबूत मिले बाबरी मस्जिद में के हिंदू समाज का कोई अधिकार नहीं है, आस्था की बुनियाद पर उन्हें दे दिया गया। यहाँ सबूत मिल रहे हैं, अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी इंसानियत है तो सबूत के बावजूद आप मुसलमानों को मच्छरीय मुसलमानों के हवाले कर दीजिए। दूसरी बात, तो सबूत वहां इसलिए मिले हैं कि जो हिंदू मुसलमान हुए उन्होंने अपने इबादत खाने को मस्जिद में तब्दील कर लिया। पहले हिंदू से पूजा करते थे तो वो तमाम निशानात मौजूद हैं। वो हिंदू जब मुसलमान हो गया उसने अपनी मंदिर को या इबादत खाने को उसने मस्जिद में तब्दील कर लिया। अगर मैंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया होता तो मैं वो सारे निशानात मिटा देता, ये मिटाना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैंने वो निशानात नहीं मिटाए क्योंकि मैंने स्वेच्छा से, हिंदू समाज ने स्वेच्छा से अपने मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया, आधा मंदिर रहने दिया आधा मस्जिद बना दिया। दिक्कत क्या है, हिंदुस्तान में मेलजोल का माहौल हमेशा रहा है और वो माहौल हम बनाए रखना चाहते हैं। किसी भी हालत में हमारा एकता और भाईचारे का माहौल खत्म नहीं होना चाहिए। आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने से भी तौकीर रजा काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि आडवाणी को भारत रत्न उनके सांस्कृतिक योगदान के लिए दिया गया, लेकिन तौकीर रजा ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने से कांग्रेस पार्टी को मिर्ची नहीं लगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तो आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा मिर्ची किसी को लगी है तो वो है बरेली के मौलाना तौकीर रजा। तो उनको भारत रत्न इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान में बंटवारे की राजनीति की, लोगों को नाराज करने और नफरतें फैलाने की राजनीति की। उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत रत्न का अपमान है। कांग्रेस पार्टी आडवाणी की विचारधारा की घोर विरोधी रही है, यहाँ तक कि आडवाणी की रथ यात्रा से अगर किसी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा तो वो पार्टी कांग्रेस ही है, क्योंकि रथ यात्रा से पूरे देश में राममय माहौल बना और इससे बीजेपी ना सिर्फ सत्ता के करीब पहुंची बल्कि उसने सत्ता के सिंहासन पर कब्जा भी जमा लिया। फिर भी जयराम रमेश ने आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत करना ही सही समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के बाद एक्स पर एक टिप्पणी की, उसमें एक बात साफ साफ लिखी गई कि देश के सांस्कृतिक मुद्दों पर उनका योगदान अतुलनीय है। आडवाणी को भारत रत्न क्यों दिया गया, इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। राजनीति के उस दौर में कांग्रेस पार्टी समेत देश भर के अंदर स्वर्ण राजनीति का वर्चस्व रहा था और हमेशा से ही अपर कास्ट वाले मुख्यमंत्री चुने जाते थे। उस दौरान आडवाणी ने बीजेपी के ओबीसी नेताओं को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि बीजेपी को ब्राह्मण बनिया वाली छवि से भी बाहर निकालने में बड़ा योगदान दिया है। देश के एक बड़े ओबीसी वर्ग को राजनीतिक सत्ता दिलवाने में आडवाणी का एक अहम रोल माना जा सकता है, लेकिन तौकीर रजा की सुई 6 दिसंबर पर ही अटक गई और तौकीर रजा को लगता है कि आडवाणी का सिर्फ एक ही योगदान है और वो है मंदिर मस्जिद विवाद और रथ यात्रा। जो आज राजनीति चल रही है, नफरतों का बाजार गर्म है, बेईमानी, नाइंसाफी, लालच, खुदगर्जी, ये तमाम चीज़ें जो आज राइज हो गई हैं, भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी,
इन सबके लिए अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो लाल कृष्ण आडवाणी है, और अगर इस वजह से उनको भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है तो ये बड़ी खुशी की बात है, उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इंडी गठबंधन के तमाम राजनीतिक दल आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर भी कोई एक राय नहीं बना पाए। जयराम रमेश आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इसलिए आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक रुख माना जाएगा। लेकिन लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने खुले तौर पर आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का विरोध कर दिया है। आरजेडी के सांसद और वरिष्ठ नेता मनोज झा ने खुलकर आडवाणी की आलोचना की है और ये कहा है कि आडवाणी का एक योगदान है मंदिर मस्जिद के विवाद में देश के 40 सालों को बर्बाद करना। इस देश के 40 बरस तकरीबन 40 इयर्स, 4 दशक उस विवाद में गए हैं, हमने अपनी ऊर्जा उस विवाद में खोई है जिसके जनक थे आडवाणी जी। वो लालू यादव थे जिन्होंने साल 1990 में बिहार के समस्तीपुर से रथ यात्रा निकाल रहे आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। आज 34 साल बाद भी आडवाणी को लेकर आरजेडी का स्टैंड बदला नहीं है। बिहार में यादव मुस्लिम समीकरण में महारत हासिल रखने वाले लालू प्रसाद यादव की तरह ही मुस्लिम कट्टरपंथी नेता तौकीर रजा भी अपना स्टैंड बदलने को तैयार नहीं है। तौकीर रजा लगातार कई मुद्दों पर भड़काऊ बयान देते रहे हैं और अब आडवाणी को भारत रत्न के मुद्दे पर भी तौकीर रजा ने ये बयान दिया है कि अगर मुस्लिम नौजवान बेकाबू हो गए तो देश में खाना जंगी छिड़ जाएगी। कि अपने देश प्रेम की वजह से हम सब्र कर रहे हैं, सब्र का पैमाना लबरेज आप लोग कर रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दंगे फसाद का माहौल बन जाए, खाना जंगी का माहौल बन जाए। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। सीए लागू करने के बाद आप जो काम करने वाले हैं हम उसको पहले करने के लिए तैयार हैं। आप हमारी आजादी पर हमला करना चाहते हैं, हम खुद गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। जुमे को मैं जा रहा हूं, मेरे साथी जा रहे हैं, जो आना चाहेगा वो आएगा, जो नहीं आना चाहेगा वो नहीं आएगा। जिसे इन तमाम चीजों से तकलीफ है, मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, जिसे इन तमाम चीजों की तकलीफ है, जो इन तमाम चीजों को बुरा समझता है, मैं ये समझता हूं कि मैं गिरफ्तारी दूंगा तो वो भी गिरफ्तारी जरूर देगा। जाहिर सी बात है ये तौकीर रजा की धमकी है और कई बार धमकियां देने में वो हैदराबादी नेताओं से भी कहीं आगे निकल जाते हैं। लेकिन तौकीर रजा को जवाब भी जोरदार मिला है। अयोध्या के साधु संतों ने तौकीर रजा को आईना दिखाया है। शुद्ध रूप से धमकी, मौलाना तौकीर रजा का बर्दाश्त से बाहर है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको कहा जाता है वही बोलते हैं, जो जितना कहे जाएगा उतने बोलेंगे, उसके बाद में और आगे तक नहीं बोलेंगे फिर, इसलिए उनका बयान का कोई वजूद नहीं है। ऐसे व्यक्ति का कोई वजूद नहीं है और लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो वास्तव में भारत माँ के लाल हैं। विवादित बयान देने के मामलों में तौकीर रजा हर बार अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। विवादित बयान देने के उनके रिकॉर्ड के सामने भारत का कोई नेता, मौलाना या धर्मगुरु ठहरता नहीं है। मौलाना तौकीर रजा तो बीजेपी सरकारों के विरोध में इस हद तक चले गए कि उन्होंने बम फोड़ने और आतंकवादी हमलों का इल्जाम भी किसी और पर लगा डाला। जब सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया तो भी तौकीर रजा का खून खौल उठा था। इस प्रतिबंध को तौकीर रजा बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बजरंग दल को आतंकवादी संगठन बताकर उससे भी प्रतिबंध लगाने की अपील कर डाली। हुकूमत से मैं मांग करता हूं कि जिस तरह सीमी पर पाबंदी लगाई गई थी, जिस तरह पीएफआई पर पाबंदी लगाई गई थी, उसी तरह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया जाना चाहिए और इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। लेकिन तौकीर रजा ने एक ऐसा बयान भी दे डाला जो देश की सुरक्षा व्यवस्था और देश की एकता अखंडता पर भारी पड़ सकता है। तौकीर रजा ने ये मांग कर डाली कि अगर देश के अंदर हिंदू हिंदू राष्ट्र मांगता है तो मुसलमान भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर सकता है। तौकीर रजा का यह बयान उस वक्त सामने आया था जब बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग पर आवाज उठा रहे थे।
लेकिन तैकिर राजा का इस पर पलटवार इसीलिए काफी डराने वाला और चौंकाने वाला था क्योंकि भारत के विभाजन का अभियान भी मुस्लिम लीग द्वारा अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग से शुरू हुआ था। जब जिन्ना की इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो जिन्ना की अपील पर डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। नोआखाली से पूरे दंगे शुरू हुए जिसमें हजारों की संख्या में मासूमों को मौत के घाट उतारा गया। 1947 में अलग मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर देश के अंदर जो आग लगाई गई उसका परिणाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद के ज्वालामुखी की तरह सुलग रहा है और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। ऐसे में अगर तौकीर रजा अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करते हैं तो ये देश के लिए बेहद खतरनाक परिस्थितियों का निर्माण करने की कोशिश के साथ ही दुनिया के लिए भी खतरा पैदा करने वाला हो सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि देश संविधान से चलेगा और राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए हुआ। ज्ञानव्यापी का मामला भी अदालत में ही चल रहा है और अदालत के आदेश के बाद ही ज्ञानव्यापी का तहखाना यानी व्यास जी के तहखाने को खोला गया। ठीक उसी तरह मथुरा में भी मामला कोर्ट में चल रहा है। ये तीनों ही स्थान हिंदुओं के लिए पवित्र हैं। लेकिन मौलाना तौकीर रजा बिल्कुल धमकाने के अंदाज में साफ साफ ये कह रहे हैं कि मुसलमान नौजवान अब अदालत को नहीं सुनेगा। वक्त आ गया है कि इस तरह की हेट स्पीच पर एक्शन होना चाहिए। हेट स्पीच देने वाला नेता चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, दोनों पर एक्शन जरूर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के एम जोसेफ सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान हेट स्पीच को लेकर चिंता जता चुके हैं और उन्होंने इस पर कार्यवाही करने की भी अपील प्रशासन से की थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और प्रावधानों को लागू करके हेट स्पीच को रोका जा सकता है।